हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं सूजी के दही बड़े, जो कि काफ़ी टेस्टी होते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक कप सूजी ली है, 2 टेबल स्पून दही लिया है। मैंने यहाँ पे कोई भी एक कटोरा ले लिया, आप कोई भी बर्तन ले लिया, उसमें मैंने सूजी डाल दी है। उसमें हम सूजी में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून दही। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नमक। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हो और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना, वरना आपका जो बैटर है बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। आपको थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से पानी डालना है और अच्छे से आपको लगातार इस तरीके से मिक्स कर लेना है। आपका जो बैटर है आपको वो मीडियम करना है। देखिए, हमारा जो बैटर है जो मीडियम हो गया, ना ज़्यादा पतला हुआ और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रह गया। तो हमारा जो बटर बनके तैयार हो गया है। मेरे यहाँ पर टोटल 2 कप पानी लग गया है। अब इसे 1 घंटे के लिए हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो कोई भी आप बर्तन से इसे ढक दीजिए। हमारा जो बैटर है अच्छे से फूल के तैयार हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 चम्मच इनो और थोड़ा सा इसके ऊपर पानी डाल देंगे। पानी ज़्यादा मत डालना, वरना आपका जो बैटर पतला हो जाएगा। और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जो हमारा बैटर है अच्छे से बनके तैयार होके हो चुका है। अब चलिए पकौड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो या तो आप अपने हाथ की मदद से आप पकौड़ियों को डाल सकते हो, या फिर चम्मच की मदद से भी आप पकौड़ियों को डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, पैन में तेल रख लिया है और मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया। आप अपने हाथ की मदद से देख सकते हो, पैन अच्छे से गर्म हो गया है तेल। तो इसमें आप चम्मच से आप पकौड़ियों को पैन में डालते जाइए। तो मैंने सारी पकौड़ी अच्छे से डाल दी है पैन में और आप तिरछे की मदद से इसे एक दो बार चला दीजिए, जिससे कि आपकी पकौड़ी अच्छे से सिक जाए। आपको फ्लेम है वो मीडियम ही रखना है, वरना आपकी जो पकौड़ी है वो जल जाएंगी। तो देखिएगा, इस जो पकौड़ियाँ हमारी धीरे धीरे सिक रही हैं। आपको एक दो बार तिरछे की मदद से आपको चला देना है, जिससे कि हमारी पकौड़ी अच्छे से हो जाए और जले ना। तो हमारी जो पकौड़ी है वो सेक के तैयार हो चुकी है और कलर भी कितना अच्छा आया है देखिए। तो ये हमारी ब्राउन कलर की हो गई है, तो हमारा अच्छे से हो गया। अगर आप गैस को ज़्यादा तेज कर दोगे तो आपकी जो पकौड़ी है अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से कलर आ जाएगा पकौड़ियों में। तो मैंने जो सारी पकौड़ी हैं वो एक बाउल में निकाल ली हैं। देखिएगा इस कितनी अच्छी पकौड़ियाँ हैं और कितना अच्छा कलर आया है। मैंने मीडियम पे ही लिया है तो अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं रही है। और मैंने यहाँ पर टू गिलास मैंने यहाँ पर पानी लिया है और इस पानी में मैं इन सारी पकौड़ियों को डाल दूँगी और अपने हाथ की मदद से हल्का हल्का सा दबा देना है, जिससे कि हमारी पकौड़ी वो पानी में अच्छे से अंदर चली जाए। अब इसे 30 मिनट के लिए प्लेट से इसे ढक देंगे। फिर आपको 30 मिनट 30 से ज़्यादा मत करना, वरना आपकी जो पकौड़ी हैं ज़्यादा नरम हो जाएंगी, एकदम हलवा जैसे हो जाएंगी, तो वो आपको नहीं करना। और देखिए, मैंने यहाँ पर 2 गिलास पानी लिया था, उसमें से इतना पानी बचा हुआ है। हमारी जो पकौड़ी हैं वो पानी को सोख चुकी हैं। मैंने यहाँ पर तीन बाउल मैंने यहाँ पर दही लिया और दही को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसे फेंट लेंगे। और इसमें हम अब ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून काला नमक, अपने स्वाद अनुसार कर सकते हो। 2 टेबल स्पून भुजा हुआ जीरा, 1/2 चम्मच सफ़ेद नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो, 1/2 चम्मच मिर्ची, 1/2 चम्मच गरम मसाला। गाइस, हमने जो नमक था वो हमने बैटर जब हमने बनाया था तो हमने उसमें भी डाला था। आप दही में थोड़ा कम ही डालना, वरना जो हमारा जो बैटर में दही में ज़्यादा नमक हो जाएगा तो पकौड़ी खाने में अच्छी नहीं लगेगी। और आपको इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जो हमने पकौड़ी पानी में भिगो के रखी थी उसमें थोड़ा थोड़ा पानी आपको निचोड़ देना है। और जो दही में डालती जानी है पकौड़ी, अगर आप अभी खा रहे हो पकौड़ियों को बना के जस्ट अभी,
तो आप दही में डाल दो, वरना आप अलग से ऐसे पानी निकाल के अलग एक बाउल में निकाल के रख दो, और आप जब भी आप सर्व करो तो बाउल में पकौड़ी रख के ऊपर से आप दही वगैरह डाल के आप उन्हें दे सकते हो। तो अभी हम डायरेक्ट अभी सर्व करेंगे, तो इसलिए मैं डायरेक्ट दही में ही सारी पकौड़ी को डाल दी है। तो देखिए हमारी जो पकौड़ी है सारी दही में हमने डाल दी है। तो अब इसे एक बाउल में मैंने थोड़ी सी पकौड़ी निकाल दी है। अब इसमें हम डालेंगे सौंठ, जो आप घर पे सौंठ बनाते हो आप। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून सौंठ लिए और मैंने इसमें दही बड़े में डाल दी है। तो देखिएगा ऐसा हमारा जो दही बड़ा है बन के तैयार हो गया है और कितना अच्छा लग रहा है। आप भी अपने घर पर जरूर ट्राई करके बना देखिए। अब हम बनाएंगे चाट दही बड़ा। मैंने यहाँ पे टिक्की लिए, आपके घर में जो भी पपड़ी या पापड़ी हो आप उसे भी चूरा करके ऐसे दही बड़े के ऊपर आप डाल सकते हो, जिससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। और मैंने यहाँ पर लिया है अनारदाना, आप अगर ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो आप ये भी डाल सकते हो, लेकिन चाट में तब अनारदाना होता है तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने यहाँ पर अनारदाना भी डाल दिया है। और मैंने यहाँ पे मूंग दाल की नमकीन ली है। अगर आपके पास मूंग दाल की नमकीन ना हो तो आप कोई भी नमकीन यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे डालेंगे 2 टेबल सॉल्ट। तो गाइस हमारा चाट दही बड़ा बन के तैयार हो गया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।